तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? ये है मेरी माता जी गांव के अंदर, और मैं हूँ, और आप लोग कैसे हैं? ये देखिए, ये माँ ने है गांव में कुछ मुर्गे वगैरह पाले हुए हैं, तो बच्चा थोड़ा है सा हमारा बच्चा। बच्चा मतलब जैसे इस सब बच्चे को बड़ा किया है ना, इस बच्चे को बड़ा कर रही हूँ। लोगों का प्यार भी जानवरों के हाँ, साथ इसी कैसा बच्चे को होता बड़ा है? की हूँ। कुछ लोग हैं लोगों से इतनी हाँ नफरत करते हैं, और लोग ऐसे होते भी हैं कि नफरत करने लायक होते हैं। कुछ लोग जानवर से भी ऐसे प्यार कर बैठते हैं, इंसानों से भी प्यार नहीं होता। ऐसा होता भी है तो सिर्फ ये धोखा हमारे देने के हर लिए, हुक्म मानता है। होता भी है तो सिर्फ धोखा देने के लिए, या तो पैसों का हाँ, यूज के लिए बस। ये हमारे हर हुक्म मानता है। एक बार चिल्लाती हूँ ना, कान में आवाज जात जाती, माई चिल्ला रही है, जल्दी चलते हैं घर, जल्दी चलते हैं घर, सब आवाज सो पहचानता इस है। छोटी सी वीडियो को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके हाँ बताइएगा। हाँ हाँ आपका हाँ रोहित हाँ आठ जहाँ भी है अभी सुरक्षित हाँ है। हाँ हाँ फिलहाल तो हाँ हाँ एक्सीडेंट तेरी हो गया था, माँ मैंने हूँ, तेरी बताया था माँ इधर हूँ। कंधे का, खाना खाने तो के लिए अभी पैर में थोड़ा चुबारी आराम है, मारता तो है, अब खाना थोड़ा दे दे, बहुत खाना दे दे। हम काम करने की कोशिश करेंगे। बट बहुत बहुत दुख होता है मुझे इस बात का कि मैं आप सब लोगों से नहीं मिल पाता, बोला और आप सब लोगों के बोला पास भी है। रे, पप्पी दे दे रे, पप्पी दे दे रे, बोला ले जाइए, कहाँ कहाँ घूमता होगा ये नालायक। बहुत मारूंगा, ये ये काम वाम नहीं करता, थप्पड़ पैसे ऐसे कमा के नहीं नहीं लेता। मारती हूँ, सब सुनवाई करता है। चलो चलो, आप चले जा, चलो। तो दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा कमरा, मैं गांव में रहता हूँ जस्ट, और कुछ इस तरीके का मेरा पूरा रूम है सेटअप। ब्लॉग्स कभी कभी हम यहाँ पर ब्लॉग्स बनाते हैं, और इधर से तो मैंने एक जस्ट ट्यूबलाइट रखा हुआ है जस्ट, ये तो हम कभी कभी इसे जला लेते हैं। इसे जलाने के मतलब काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है, तो कभी कभी ब्लॉग बना लेते हैं। जो कि अब आज हमारी मैडम जी है नहीं, तो वो अपने मायके में है और हम अपने घर पे, तो जस्ट अकेले हैं। और इसके अंदर देखिए, सोने के लिए लगभग मच्छरदानी। नॉर्मल गांव में हर तरीके के लोग जो होते हैं वो इस तरीके की चीज़ें लगाते हैं और मतलब सो जाते हैं। वो देखिए, पेंटिंग मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया हुआ था इस तरह से, तो अक्सर मैं दिखाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो अभी हम एक आर्ट करने गए थे, इससे पहले हम लाइव आए हुए थे, तो आप लोग वीडियो देख लेना, नटखट रोहित आर्ट पे ही है। तो अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, इधर एक कॉलेज का काम आ गया था मेरे पास। और आपको पता है कि जब मैं गांव में आता हूँ तो गांव में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, सॉरी, जो जिनको मेरी आवश्यकता पड़ती है काम करने के लिए, और मैं उन सबका काम भी मुझे करके देना पड़ता है, तो इसलिए मैं चला भी जाता हूँ और करता हूँ। अभी बीएड कॉलेज है जो कि हरिगांव के अंदर है, और बीएड कॉलेज का काम हम करके देने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को एक ब्लॉग दिखाऊंगा, वो काफ़ी अच्छा होगा, जो कि नटखट रोहिता टीवी चैनल पे आएगा ही, और होगा बिहार का बेटा रोहित सिंह, उस पर भी मैं दिखाऊंगा। और तो आज हम उधर से आ रहे थे, उधर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी, वहाँ पे हमारे गोपाल इलेक्ट्रॉनिक वाले रहते हैं, हम वहाँ गए थे उनसे मिलने। तो उन्होंने ये दिया छठ पूजा का प्रसाद बोल के, ये तो वैसे बहुत सारे जगह पे छठ पूजा का प्रसाद आया हुआ था, और हम वहाँ भी लेके आए। कल तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, मुझे तो जाना ही है, कुछ लोगों को अपनी बातें समझाना बहुत मुश्किल होता है। अभी जस्ट हम अपने काम पे गए थे, काम पे उधर का भी हिसाब किताब थोड़ा मतलब जानते हैं कि बहुत सारे जगह पे सब थोड़ा थोड़ा सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो, बट ऐसा नहीं होता, कुछ तो चीज़ों के अनुसार हमें होना पड़ता है। इसलिए काफ़ी दिक्कत भी होती है लाइफ जीने में, इसलिए देखता हूँ कितना दिन कितना नहीं। मैं बाकी अपना ये सब सेटअप कब तक चला पाते हैं, करते हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो दोस्तों, अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।